श्री राम जी, इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, दे हैव गिवन मच एम्फेसिस ऑन स्कूलिंग एंड स्किलिंग। स्किलिंग को क्लास सिक्स की कैरिकुलम पे हम अभी फॉर्मली एज ए सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, नॉट एज ए इलेक्टिव। पहले थोड़ा थोड़ा विषय इलेक्टिव होता था, थोड़ा थोड़ा कुछ चीज होता था, लेकिन आज दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आज स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन दोनों को एस्पिरेशनल करते हुए क्लास सिक्स से हम आज एक सब्जेक्ट उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। कल हम दिन भर इसके ऊपर योजना भी बनाए हैं कि प्लस टू के बाद यानी ट्वेल्थ के बाद ऑल स्टूडेंट गो टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। हम ऐसे कुछ व्यवस्था करें, क्योंकि भारत में वर्किंग एज ग्रुप है 15, 15 साल में वो लड़का 10th पास कर जाता है, 16, 17, 18 में वो 11 और 12 में रहता है। सारे लोगों को जबरदस्ती का जेई नीट में नहीं बैठना है, आज कोई ऑप्शन नहीं तो सब जेई नीट में बैठते हैं। जो संजीव जी की फॉर्मूला है ना, मैं कईयों को जानता हूं, मैं उसको नाम नहीं ले पा रहा हूं, कईयों को जानता हूं। आपने 3 महीना 6 महीना एक कैप्सूल कोर्स आपने बनाया आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। यह पहले फॉर्मल एजुकेशन की पार्ट नहीं, तो आप आपकी आवश्यकता के लिए कर देते थे, होटल इंडस्ट्री में, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, लॉजिस्टिक में, सारे चीजों को अभी हमने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए नया आर्किटेक्ट बना लिया क्रेडिट फ्रेमवर्क की। अर्निंग एंड लर्निंग दोनों को हमने फैसिलिटेट करने की पॉलिसी एनेबल किया है। वो काम करेगा, पढ़ेगा, काम सीखेगा, काम करेगा, ये सारा को एस्पिरेशनल बनाते हुए विथ मिनिमम बुक नॉलेज, मोर ऑन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। क्योंकि मेधा शक्ति सिर्फ अच्छे लैंग्वेज में ही जुड़ता नहीं है, अच्छे हाथ में ही जुड़ता है। इसको कैप्चर करने की इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पहले व्यवस्था ही नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उस आर्किटेक्ट को क्रेडिट फ्रेमवर्क में ले आया है और इसको धीरे धीरे एस्पिरेशनल करना है। और जो लोड है यूजी में, सर्टिफिकेट सेंट्रिक, डिग्री सेंट्रिक यूजी में, उसको कॉम्पिटेंस बेस्ड नॉलेज में ले जाना है। ये अभी इसके हमने बना लिया है।